हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आम का सीज़न और आइसक्रीम ना खाया जाए, वो भी मैंगो आइसक्रीम, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके लिए मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेके आ गई हूँ। अब इस आइसक्रीम को बनाने के लिए कोई झंझट ही नहीं है, 10 मिनट में बन के तैयार होगा। और एसेंस नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, कंडेंस्ड मिल्क नहीं चाहिए, ना ही आपको कॉर्नफ्लोर और ना ही आपको मिल्क पाउडर जैसा कोई झंझट करना है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में घर की रखे सिंपल से सामान से इतना ज़्यादा क्रीमी, इतना ज़्यादा टेस्टी मार्केट जैसा आइसक्रीम आप घर पे बना लेंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा, आप हमेशा ऐसे ही घर पे बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे आपको लेना है आम। तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले एक आम लिए हैं। अगर आपके पास छोटे आम हो तो आपको क्या करना है, उसका पल्प निकाल लेना है। तो मैंने इतने बड़े साइज़ का एक आम लिया जिसका मैंने पल्प निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ब्लेंडर लेना है आपको। ब्लेंडर में डाल देना है 1 कप के करीब चीनी। तो 1 कप चीनी जाएगा और उसके साथ जाएगा ये पल्प। और इनको हमें क्या कर देना है, बहुत ही फाइन ब्लेंड कर देना है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। तो बिल्कुल एकदम ब्लेंड करके हमने तैयार कर लिया है इसका स्मूथ सा पेस्ट। और आप देख रहे हैं ये एकदम येलो कलर का पेस्ट तैयार हो गया। अब क्या करना है, आपको एक बोल लेना है। पहले मैंने कढ़ाई लिया, बड़ा सा कढ़ाई जिसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिया और उसमें उसके ऊपर रख दिया मैंने शीशे का बोल। अब यहाँ पे हमें लेना है व्हिप क्रीम। तो 1 कप के करीब चिल्ड, एकदम चिल्ड मतलब फ्रीजर में रखा हुआ ठंडा ठंडा व्हिप क्रीम को आपको जो है इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से 1.5 से 2 मिनट तक बीट करना है, जब तक कि इसमें हल्के हल्के पीक्स ना आने शुरू हो जाएं। और जैसे ही आपको देखे कि पीक्स फॉर्मेशन होने शुरू हो चुके हैं, तब हम इस प्रोसेस को जो है क्या करेंगे, रोक देंगे। पर अभी हमें इसे बीट करना है 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट बीट कर लेने के बाद जो तैयार किया हुआ मैंगो का पल्प था, चीनी के साथ जो पीसा था ना, उसे जो है इसमें ऐड कर देना है। और इसे भी साथ में इसके हम ब्लेंड करना शुरू कर देंगे। तो देखिए इन्हें अब हमें साथ में ब्लेंड करना है 1 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक इसे जो है ब्लेंड किया है, बीट करना है, गलत बोल रही हूँ, बीट करना है इसे। तो हम बीट कर लेंगे इसे और फिर उसके बाद जो है इसे हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। तो देखिए इस तरीके से, अच्छी तरीके से हम इसे बीट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर मेरे को बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, तो मैं इसमें जो है थोड़ा सा जो है ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज येलो कलर, ताकि इसका कलर थोड़ा सा आइसक्रीम जैसे ब्राइट लगे, जैसे मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा। और आप देख सकते हैं इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, पीक्स भी बहुत अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। तो बस इससे ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, व्हिप क्रीम से जो है मक्खन अलग से सेपरेट हो जाएगा। तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना। रही बात व्हिप क्रीम की, तो ये आसानी से जो है आपको मिल जाता है बेकरी के शॉप पे। और अगर आप इससे बनाएंगे ना, लाखों झंझट खत्म हो जाएगा। ना कुक करना है, ना आपको कंडेंस्ड मिल्क, ना एसेंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। तो देखिए इस तरीके से जो है आइसक्रीम का एकदम चिकना सा मिक्सचर तैयार हो गया। देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है ये। ये अब क्या करेंगे, इसे हम डाल लेंगे एक एयर टाइट डब्बे में। तो मेरे पास ये एक एयर टाइट डब्बा था, मैं क्या करने वाली हूँ, इसी में पूरा जो है मिक्सचर ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे इवनली जो है स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करने के बाद जो है इसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाने वाली हूँ। एक प्लास्टिक इसलिए लगाने वाले हैं ताकि क्या होगा, इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना बने। तो उसे हम प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक लगाएंगे और प्लास्टिक डालकर इसे ओवरनाइट मतलब रात भर इसे आपको फ्रिजर में रख के छोड़ देना है, अगले दिन हम मिलने वाले हैं। तो देखिए इसे जो है मैंने रात भर फ्रिजर में रख दिया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुका है। रात भर फ्रिजर में रखने से आपकी आइसक्रीम हमेशा 100% परफेक्ट बनती है। तो बस अब क्या करेंगे, इसे हम खोलते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये खोला मैंने और ये देखिए प्लास्टिक हटा रही हूँ। तो मैं प्लास्टिक हटाऊंगी और आप समझ जाएंगे कि परफेक्ट जमा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल भी प्लास्टिक में नहीं चिपका, इतना परफेक्ट ही फ्रीज हुआ है, कोई आइस क्रिस्टल्स इसके ऊपर नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रहा है ये। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे क्या करना है, आपको स्कूप करके निकाल लेना है। ये देखिए चम्मच से दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है ये। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी क्रीमी मार्केट जैसा घर पे मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार है। इसका गार्निशिंग कर देते हैं हम थोड़ा सा पिस्ता से। और देखिए लग रहा है ना अमेजिंग,
मैं बता रही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। समर्स में मैंगो आइसक्रीम बिना एसेंस के कहाँ मिलेगा, घर पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बना लेंगे, तो फिर इधर उधर जाने की ज़रूरत क्या है। इसे आराम से घर पे बनाइए और इंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिलीव मी। ये रेसिपी ट्राई करना बनता है, जैसे कि मैंने कहा कॉर्नफ्लोर और तमाम झंझट ख़त्म। यहाँ पे तो कुक भी नहीं करना, तो और क्या चाहिए। इतनी सिंपल सी रेसिपी मैंने आपको बता दी है, इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी करिए शेयर। और मुझे जो है ये रेसिपी ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। आप कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। हम फिर मज़ेदार वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।